हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए, फेडरल बैंक के शेयर में धीरे धीरे भी सही लेकिन एक बढ़िया रैली लौटी जरूर है। और फेडरल बैंक में अगर हम देखने जाए तो इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर लगी हुई है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि फेडरल बैंक के शेयर में खरीदारी करने का अभी भी मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने कितने टारगेट यहाँ पर दिए हुए हैं इस बैंक के लिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फेडरल बैंक की। 67 रुपीज का शेयर है, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 19% का ग्रोथ है, और देखिए बढ़िया रैली है, कंटिन्यूस शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ा है। 56 का लो है और 68 रुपीज का हाई है, एक साल में 22% की अभी भी गिरावट है। अभी भी शेयर प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है और पहुंच जाएगा ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। प्री कोविड मतलब 90 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था, कोरोना के चलते 37 रुपीज तक टूटा, तेजी आई गिरावट आई तेजी आई गिरावट आई तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी आई है, हल्की सी गिरावट आएगी लेकिन दोबारा एक तेजी की तरफ जरूर ये शेयर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। पिछले 3 साल में 37% की गिरावट, 115 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया, जब भी गिरावट आई है बाउंस बैक जरूर किया है। 10 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं फेडरल बैंक का तो 66% का ग्रोथ है। हर गिरावट के बाद तेजी आती है और तेजी के बाद गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। मिड कैप शेयर है ये, 13,450 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और तो और अगर हम यहाँ पर एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली भी कर रहे हैं। बीएससी में भी अच्छे खासे वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन FIs म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है और काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। FIs में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी होल्डिंग FIs के द्वारा बेची गई है, 30.95% की होल्डिंग को एक ही क्वार्टर में FIs ने बेचकर 24.64% पर लाके खड़ा कर दिया, मतलब 6.31% की होल्डिंग FIs के द्वारा बेची गई है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी हल्की सी क्वांटिटी बेची गई है, 25.64% की होल्डिंग 25.02% है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने वो सारी होल्डिंग खरीद ली है। देखिए बहुत कम होल्डिंग थी इंश्योरेंस कंपनी के पास, 6.29%, लेकिन अब है 12.92%, मतलब जितनी थी उससे भी कई ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदी है। 6.63% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको फ्रैंकलिन टेम्पलटन देखने को मिल रहा है 5.98% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 34.57% के आसपास है यहाँ पर। डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। फेडरल बैंक के बारे में अगर हम देखने जाए तो फेडरल बैंक की जो सिचुएशन यहाँ पर है वो कुछ इस तरीके से है कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है, तेजी के संकेत है और बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर कई सारे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है, उनकी तरफ से काफी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर है। आप देखिए शेर खान की कमेंट्री कल ही आई है इसको लेकर, और बाइंग की रेटिंग है और 85 रुपए का टारगेट प्राइस है। हालांकि बाकी सारे जो शेयर का टारगेट प्राइस है वो पिछले महीने का है और अब वो टारगेट अचीव भी हो चुका है। पिछले महीने कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने खरीदारी की ही सलाह दी थी, देखिए 3 नवंबर का है, 65 रुपीज का टारगेट प्राइस जो अचीव हो चुका है। तो डेफिनेटली कंपनी अब जो ब्रोकरेज हाउस है वो अपने टारगेट प्राइस को रिवाइज जरूर करेगी। एसपीएल रिसर्च ने तो भैया पिछले महीने 124 रुपए का टारगेट प्राइस ऑलरेडी दे के रखा हुआ था, जो अभी भी टच मतलब उससे पहले अक्टूबर महीने में, तो अभी भी देखने वाली बात है कि वो टारगेट इनके अचीव होते हैं कि नहीं। ओवरऑल एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बेहतर है, हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू शानदार रहा है। आप देखिए
हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। सितंबर 2019 में 3,336 करोड़ का रेवेन्यू था, बाद में 3,413 करोड़, फिर 3,545 करोड़, फिर 3,572 करोड़, अब है 3,621 करोड़। मतलब ट्रेंड आप देख रहे हो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव। जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट अच्छा कमा, सॉरी रेवेन्यू बढ़ा ही है और मुनाफा भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। देखिए कोरोना काल में भी इनके प्रॉफिट इंटैक्ट है। इस क्वार्टर में 315 करोड़ का मुनाफा हुआ है सितंबर क्वार्टर में, उससे पहले जून में 411 करोड़ था, इससे पहले 302 करोड़ था और इससे पहले 450 करोड़ था। तो अच्छे खासी होल्डिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एफआईएल की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 24.64%, लेकिन पब्लिक होल्डिंग सबसे ज्यादा है यहाँ पर, 37% की पब्लिक होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद 38% की होल्डिंग डीआईएल के पास देखने को मिली है। अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि फेडरल बैंक मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में जान बाकी है, अभी भी शेयर में और बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जरूर 70 रुपए तक शेयर जाएगा। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करें तो मैं आपको तब से यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ, जब से ये शेयर 40 पे था, 45 पे था, 50, 55, 60, 65 रुपए तक भी मैंने आपको बाइंग की एडवाइस दी हुई है यहाँ पर, और अभी भी मेरा वही सेम है। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से 70-75 रुपए का टारगेट जाना चाहिए फेडरल बैंक में, तो बने रहने की सलाह है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बीच अप्स एंड डाउन जरूर आएगी, तो ये मत सोचिए कि यहाँ से तेजी ही तेजी बनी रहेगी। आज 1.5% की गिरावट है, हो सकता है कि कल 2-3% की गिरावट आ जाए, लेकिन दोबारा से 70 रुपए का टारगेट यहाँ पर जरूर अचीव होगा। तो मैं कहूंगा कि खरीदारी की है और आपका नजरिया लंबी अवधि का है, मतलब और 6-7 महीने का है, तो बने रहिए यहाँ पर। प्री कोविड लेवल मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव हो सकता है, और तब तक जब तक शेयर प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचता तब तक मेरी यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी, मतलब 90 रुपए तक। और दूसरी बात यह कि जब भी गिरावट आए आप चाहे तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। डूबने वाला बैंक बिल्कुल भी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का बैंक है और हर क्वार्टर में बड़े मुनाफे इस बैंक ने कमाए हुए हैं, नुकसानी में बैंक नहीं है और कोई भी नेगेटिव खबर कभी भी फेडरल बैंक को लेकर नहीं सामने आई है। तो मैं यही कहूंगा कि बने रहो यहाँ पर, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अप्स एंड डाउन आएगी, तो इसीलिए एक ही साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदो। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, गिरावट आए और 100 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करें, और देखिए बहुत ही स्लो तरीके से ये शेयर मूव करेगा, तो पेशेंस जरूर रखिएगा यहाँ पर, और गिरावट पे क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो और 90 रुपये के टारगेट से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।